हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वीज़ा वीज़ा में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से गमका मेडिकल के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ गमका मेडिकल पे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अनफिट के लिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे अनफिट किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो मेडिकल अनफिट हो रहा है। पूरे इंडिया में हर स्टेट में मेडिकल अनफिट किया जा रहा है। अगर लोग कुवैत का वीज़ा मंगाते हैं, सऊदी का मंगाते हैं, तो हर कंट्री से जहाँ से भी वीज़ा मंगा रहे हैं उन सभी में अनफिट हो रहा है। हमारे पर्सनल खुद के कैंडिडेट ऐसे हैं जो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा अनफिट हो गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको पहले बताता हूँ, बिना कुछ देरी किए मैं आपको सॉल्यूशंस पे बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम बताते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वीज़ा मंगाने से पहले मेडिकल नहीं करा रहे हैं, वीज़ा मंगा लेते हैं उसके बाद मेडिकल कराते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोग अपने एरिया के किसी भी सेंटर से मेडिकल करा के बोलते हैं कि मैं फ़िट हूँ, जो कि बहुत गलत है। देखिए, कोई कंट्री अगर आपको बाहर भेज रही है, मतलब कोई देश आपको बाहर बुला रहा है अपनी कंट्री में, उन्होंने एक सेंटर ऑथराइज़ किया हुआ है, तो वो इसलिए किया हुआ है कि वो आपको अच्छे से छान के चेक करें कि भाई इस बंदे के बॉडी में जो है कोई कमी तो नहीं है। वो चीज़ जो है वो लोग चेक करते हैं अच्छे से। अब आपके पड़ोस वाला सेंटर तो कहेगा आप तो भले चंगे हो, आप उन्हें पैसे दे रहे हो तो आपको फिट ही करेगा। लेकिन अगर आप उस सेंटर के पास जाएंगे जो आपको बाहर भेज रहा है, एक्चुअल में आपसे कह रहा है कि आप कुवैत जाओगे लेकिन हम आपको पहले अच्छे से छान लेंगे अच्छे से कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, उसको आप कहते हो फ्रॉड है, पैसे लेना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। वो लोग बारीकी से चेक करते हैं, शायद कुछ सेंटर्स फ्रॉड करते भी होंगे, लेकिन गमका एक ऑथराइज जो है ऑर्गेनाइजेशन है जीसीसी की, जहां से जो है 5 सेंटर सील हो चुके हैं सिर्फ इसी चक्कर में कि यहाँ फ्रॉड होता है, ये सब होता है। तो अब जो है गमका बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, हार्ड हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा कमर कसनी होगी अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, सऊदी जाना चाहते हैं, गल्फ के किसी भी देश में काम करने जाना चाहते हैं। अगर आप गमका मेडिकल करा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप वीज़ा मंगाने से पहले, अगर आप पॉसिबल हो पाए तो वीज़ा मंगाने से पहले मेडिकल कराएं। प्री मेडिकल एक कच्चा मेडिकल होता है, सिर्फ 3,000 रुपये का होता है। ये 3,000 का मेडिकल आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, आपका हेडेक बचा सकता है, आना जाना बचा सकता है। वो कैसे, आप मेडिकल कराइए गमका सेंटर से। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं जहाँ गमका सेंटर है वहाँ से कराइए, आपके सिटी में नहीं होता दूसरे सिटी चले जाइए, ट्रेन से जा सकते हैं किसी भी तरह, जैसे भी आप जाना चाहें जाके मेडिकल कराइए। 3,000 के मेडिकल से आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आपके माइल्ड प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा है। अगर आपके एक्सरे में या ब्लड में माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप वीज़ा मंगा लो, उस चीज़ की दवाई खाओ, फिट ट्राई करो प्री मेडिकल करा के पक्का मेडिकल। मतलब ये स्टेप आपको लेने हैं। अगर ये चीज़ हम किसी को समझाते हैं, अगर कोई हमारे ऑफिस में वॉक इन आता है और कहता है हमारा मेडिकल करवाओ, हम उसको अगर बोलते हैं कच्चा मेडिकल कराओ, तो पहले तो उसको ये डाउट होता है कि शायद इनकी कमीशन है, ये इसीलिए हमें भेज रहे हैं। जबकि गमका ऑथराइज सेंटर में कौन कमीशन ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता। उनका फ़ायदा, उनके पास बंदा जा रहा है, हमारा क्या फ़ायदा। हमारा फ़ायदा तो ये है कि आपका वीज़ा ख़राब ना हो। आपका वीज़ा ख़राब नहीं होगा, आप स्टैंपिंग कराओगे, वहाँ जाओगे, 10 लोगों से हमारा नाम लोगे, वो हमें काम देंगे, तो हमारा फ़ायदा इसमें, ना कि इसमें कि हम आपको अपने सेंटर पे किसी पे भेज रहे हैं मेडिकल के लिए। आपको गमका सेंटर से ही कच्चा मेडिकल कराना है, जिसे प्री मेडिकल बोलते हैं, जो 3,000 का होता है। उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको आगे क्या करना है। ये तो हो गई पहली बात, वीज़ा मंगाने से पहले कच्चा मेडिकल। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट लोग ज़रा अलर्ट हो जाए, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, वो लोग इस भूल में ना रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम होती है और उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें चश्मे की ज़रूरत है, जो उन्हें तब पता लगता है जब वो मेडिकल पहुंचते हैं कि आपके तो एक आंख में प्रॉब्लम है, या कलर ब्लाइंड है, या कुछ नंबर कम आ रहा है, आप चश्मा बनवा के लाओ। इतने में बंदा चश्मा बनवा के लाएगा, इतने में उसका नेगेटिव में रिपोर्ट आ जाएगा, वो सोचेंगे कि भाई इसको तो चश्मा लगेगा। अब बंदा पहले ही घबरा जाता है, अगर उसका पहला ही आई टेस्ट हो गया और उसका चश्मे के लिए बोल दिया तो उसका ब्लड प्रेशर तो वैसे ही बढ़ गया या डाउन हो गया, और बाकी के टेस्ट में भी फिर वो गया। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी आपको पहले से करनी है। आप अपनी आंखें टेस्ट करा लो बाहर लोकल कहीं पर, ठीक है, और आंखें टेस्ट भी नहीं करा सकते तो गमका टेस्ट में आपकी सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी प्री मेडिकल में। अगर वो प्री मेडिकल में बोलते हैं आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा बनवाओ, चश्मा लेके फिर पक्के मेडिकल में जाओ। जो भी प्रॉब्लम वो बोलते हैं उस पर काम करो, फिर पक्का मेडिकल कराओ, क्योंकि कच्चे मेडिकल का रिकॉर्ड कहीं नहीं होता, पक्के मेडिकल का रिकॉर्ड ऑनलाइन चढ़ जाता है अनफिट में। उसका पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ अनफिट कैसे चढ़ता है। खैर, ये तो कच्चे मेडिकल नहीं है, पक्का मेडिकल ही है। ये देखिए, मेडिकल का नाम नहीं दिखाऊंगा, अनफिट रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है अनफिट, ये अनफिट, ऐसे रिपोर्ट मिलती है आपको। ये हमारे कैंडिडेट को मिली थी, तो अनफिट की ऐसे रिपोर्ट मिल जाएगी अगर आप पूरी तैयारी से नहीं जाएंगे तो। दोस्तों, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस गमका की तरफ से भी है, नो डाउट बहुत सारे सेंटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे क्लियर अनफिट कर देते हैं और एक मिनट नहीं लगाते वीज़ा दे के वापस भेजने में। कुछ लोग तो कहते हैं वीज़ा भी नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा ऑनलाइन चढ़ गया, अनफिट हो गया, आप 2-3 महीने कुछ नहीं कर सकते।
ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप ही को रेडी रहना है, आप ही को तैयारी करनी है। बहुत सारी एजेंसीज़ ने मेल किया है कि गम का इतना अनफिट क्यों कर रहा है, थोड़ी लीनियंसी दीजिए। तो शायद अथॉरिटीज़ के ऊपर काम कर रही है, अब आने वाले टाइम में गम का थोड़ा सा हल्के फुल्के चीज़ों को अवॉइड करके क्लियर कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा करना है तो कुछ सेंटर्स मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ से आपका तुक्का लग सकता है, आप जाइए कराइए। आपका एक सेंटर में कच्चा मेडिकल अच्छा नहीं आया, दूसरे सेंटर में दूसरे स्टेट में करा के देखो, शायद वहाँ अच्छा आ जाए। वहाँ अच्छा आ जाए, वहीं की पर्ची निकलवाओ, वहीं पे मेडिकल करा लो। ऐसा भी हो सकता है उसी सेंटर, मतलब उसी स्टेट में मेडिकल निकलवाइए। जहाँ आपका जिस स्टेट में पक्का कच्चा मेडिकल ठीक आ जाए, उसी स्टेट में आप मेडिकल करा लो, वहीं पर्ची निकाल के। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सजेशंस जो हैं गमका के, आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। गमका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट में कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। कोशिश कीजिए आप टाइप करके टेक्स्ट भेजिए, क्योंकि हर कॉल का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी कॉल्स आ जाती हैं अगर गमका की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। गमका से रिलेटेड बहुत लोग परेशान हैं, नो डाउट इंडिया में बहुत ज़्यादा, गल्फ कंट्रीज़ के लिए जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये अनफिट कर रही है सबको। होपफुली शायद इन फ्यूचर आपका सब कुछ ठीक हो जाए, मेडिकल आपका अच्छा हो जाए और वो लीनियंसी करें थोड़ी सी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अगर छोटे मोटे चेस्ट पे दाग आ जाते हैं, पुराने बुखार के दाग होते हैं, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती, वो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो गमका के अकॉर्डिंग अनफिट है। तो इस चीज़ को आपको आगे जाके देखना पड़ेगा किस तरह से आप उसको डील करते हैं। और गमका भी शायद अब थोड़ा नरम हो जाए तो आपको जल्दी जल्दी मेडिकल फिट होकर मिला करेंगे। तो फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे गमका से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी वीडियो बनवानी हो गमका की, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स देखने के बाद मैंने ये अपडेटेड वीडियो बनाई है लेटेस्ट, ताकि आपको पता लगे कि आजकल क्या चल रहा है गमका मेडिकल में और किस तरह आप बच सकते हैं, गमका मेडिकल में कैसे फिट हो सकते हैं। जिन भी लोगों के मेडिकल फिट हैं या अटेस्टेशन का काम है या वीज़ा स्टैम्पिंग करानी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फास्ट सर्विस, जेन्युइन सर्विस, बहुत कम प्राइस में हम करा रहे हैं वीज़ा स्टैम्पिंग कुवैत की और किसी भी गल्फ कंट्री का अटेस्टेशन।